सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल दी राइडिंग सोल। आज हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तो गाइज, आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है, अपने को एक डील मिली एक्चुअली। तो वो डील क्या है, चलिए मैं आपको बाइक राइड पे चलते चलते बताता हूँ। और थोड़ा सा बताने वाला हूँ कि वो डील ऐसी कंपनी को मिली है कि उसको हम लोग को, मैं चलिए जो भी आपको दिखाता हूँ बाइक राइड पर, ठीक है? चलो आओ। सो गाइज, वेलकम बैक। हम लोग का जो आज का व्लॉग है, मैं आज आपको रिवील कर दे रहा हूँ। अभी एक्चुअली आज का जो व्लॉग हमारा होने वाला है वो होने वाला है एक बाइक परचेजिंग सेलिंग के ऊपर। तो अपना ये भी काम है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना ये चीज़ भी शेयर की जाए। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं जा रहा हूँ अभी सदर, वहाँ पे एक मेरा ही दोस्त है, तो उसकी बाइक है, वो एक्चुअली शिफ्ट हो गया है किसी रीज़न से। तो उसने कहा कि ख़रीद सकते हो तो ख़रीद लो मेरी बाइक, उसकी पल्सर 200 NS है। कुछ वीडियोस मेरी मेरे इंस्टाग्राम ID पे पड़ी होंगी, जाके आप लोग चेकआउट कर लो, स्क्रीन पे लिंक आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन भी मैंने छोड़ रखा है, तो जाके चेकआउट करना और फॉलो भी करना अगर आप नए हो चैनल पे। तो और रेगुलर अपडेट के लिए भी आप जा कर ही सकते हो इंस्टाग्राम पर फॉलो, ठीक है? तो हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि उसकी बाइक, उसने मुझसे बोला कि ख़रीद लो, तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं क्या है, क्या बजट है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 2 महीने से खड़ी हुई थी। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं सदर, उसके घर उसकी बाइक उठाएंगे, सर्विस सेंटर लेके जाएंगे और एक अच्छे रेट में उसको देखेंगे क्या बजट बनता है बनने में, पूरी वो वेल एंड शोरूम कंडीशन कैस बनने में कैसा लुक आ रहा है, उसका क्या बजट है। और मैं हाँ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि लखनऊ में गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी अब बढ़ गई है। आज लू चल रही थी और आज है 2 तारीख, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है आज यहाँ का। तो प्लीज़ अपने आप को सिक्योर रखिए, हर एक चीज़ से, टैनिंग से बचें जितना कम हो सके उस गर्मी में निकले, क्योंकि लू चल रही है, एज यू नो कि बहुत हार्मफुल होती है ये लू, ठीक है? और बस चलो चलते हैं सीधा सदर और दिखाते हैं आपको कि क्या कंडीशन है बाइक की, क्या क्या चेंज होने वाला है उसमें, ठीक है? चलो सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। और अपने पास देख सकते हो तो गाड़ी आ गई, गाड़ी कंडीशन दिखा दूंगा आपको कि गाड़ी कंडीशन आप देख सकते हो ऐसी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ऑलमोस्ट 1.5 महीने से खड़ी हुई थी, तो अब इसकी परचेजिंग की बात है। तो उससे पहले जो भी सारा ऐसा डिस्क्रिप्शन है, जो भी चीज़ है, ये सब चलते हैं बाइकर्स पॉइंट, वहीं भी बात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि क्या है इसका पर्पज़, आज का ब्लॉग क्या होने वाला है, ठीक है? तो चलो पहले चल देख लेते हैं क्या है, उसके बाद स्टार्ट हो गई, ठीक है? अभी अंदर खड़ी हुई थी गाड़ी, हम लोग ने बाहर निकाली है, तो पहला स्टार्ट होने जा रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट रह गया, आए कर लो, यहाँ है। सो गाइस, चलिए चल रहे हैं अब सर्विस सेंटर की तरफ, देखते हैं क्या है इसका सीन, क्या बजट देते हैं वो लोग। ओके, ये गाड़ी 1 महीने से, 1 महीने से, अगर 1-2 महीने से गाड़ी, एक्चुअली उससे ज़्यादा ही ये गाड़ी खड़ी हुई थी। तो देखते हैं, एक्चुअली मैं जो RPM की बात कर रहा हूँ आपको वो भी दिखा देता हूँ, देखना। ये हम और इसकी डिस्प्लेट भी थोड़ी सी टेढ़ी हो रखी है, तो जो ब्रेक लगने में मिस होता है कभी कदार, और 4th से 5th गियर पे जब ये 7000 RPM पे आती है तो धीरी हो जाती है, जैसी 9 पे आएगी तो और तेज़ हो जाती है। तो ऐसा कुछ इश्यूज हैं इस बाइक में, मेरे ख्याल से कार्बोरेटर चेंज होगा, हाँ, और
और भी सारी चीज़ें हैं जो कि अभी सर्विस सेंटर जाके पता चलेगा। टीवी इसकी चेंज होनी है क्योंकि हैंडल काफ़ी इधर उधर भागता है, लाइक बहुत रफली हैंडल चल रहा है। तो ये सारे काम है, मेरे हिसाब से 5.5-7.5 तक का खर्चा आ जाना चाहिए, नो डाउट। बाकी भागने में आपको दिखाता हूँ मैं कैसी है। देखा आपने, एक्सीडेंट होते होते रह गया। ये है इसका ब्रेक की परफॉर्मेंस कि धीरे धीरे छोड़ पकड़ करके पकड़ रही है ब्रेक्स को ये। तो वो एक्चुअली तब होता है जब आपका अलॉय बेंड हो या आपकी डिस्प्ले थोड़ी टेढ़ी हो रखी हो, और कुछ इफेक्ट ये भी हो सकता है कि आपका सिलेंडर मास्टर सिलेंडर चला गए हो। मेरे को जहाँ तक डाउट है कि इसके मास्टर सिलेंडर जा रखे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि पहले की वजह से मुझे पता है कि क्या क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। एंड काफ़ी मेरे ख्याल से पॉकेट भी चेंज होगा, बहुत सारे काम हैं। तो देखते हैं क्या बजट है इसका। तो सर्विस सेंटर तो मैं यही वाले जा रहा हूँ, साउथ सिटी के पास पड़ता है, गया गार्डन गैलेरिया मॉल के पास। ठीक है, स्टार्ट है भाई, जा रहे चले भाई पे, हैप्पी जर्नी। ठीक है भाई, भाई यहीं से चलना है ऐसे। कब आ रहा हूँ। सो गाइस वेलकम बैक अगेन। क्या वेलकम बैक। आप लोग कह रहे होगे कि हम लोग सर्विस सेंटर से सीधा यहाँ कहाँ आ गए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग देखो देख सकते हो कि प्रॉपर एकदम गेयरअप हो गए, नाइट पार्टी के लिए निकल चुके हैं। अकॉस एक मीटअप प्लान हुआ था, हमारे एक भैया हैं पंकज भैया, तो उनसे मिलने जा रहे हैं एक मीटिंग पॉइंट पर। उनने किंगस्टन करके क्लब हाउस एक है, तो वहाँ पर उनने बुलाया है हम लोग को, साथ में मेरे शशांक भाई भी है। तो जा रहे हैं, मिलते हैं सीधा, अभी जा रहे हैं फ्यूलिंग कराने, टेल एकदम खाली हो चुका है गाड़ी में, ठीक है चलो। एंड होप करता हूँ आपको रिस्पांस अच्छा मिल रहा होगा। देख सकते हो, और ये अपना मैप लग गया है। तो अपन लोग जा रहे हैं किंगस्टन क्लब हाउस, और वहाँ पर मीटिंग अरेंज हुई अपनी, तो वहाँ जाएंगे, भाई लोग से मिलेंगे, ठीक है चलो।
सो गाइस आ चुके हैं हम लोग किंगस्टन और मेरे ख्याल से फिर से गूगल ने हमें गलत बताया है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय बाय।